नमस्कार दोस्तों, बिजली की दुकान YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सबसे सुरक्षित रूम हीटर का। आपके घर के अंदर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार व्यक्ति हैं या सामान्य व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि सबसे सुरक्षित जो रूम हीटर होता है वही आप परचेज करें, तो दोस्तों उसके लिए आपको परचेज करना होगा ऑयल हीटर। तो इस वीडियो में हम लेजर कंपनी का एक ऑयल हीटर लेकर आए हैं 9 फिन्स का, तो इसका हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका फुल रिव्यू आपको देने वाले। यानी कि दोस्तों आज तक का सबसे जो सुरक्षित रूम हीटर होता है वह सिर्फ ऑयल वाला ही रूम हीटर होता है और इस रूम हीटर को आपको थोड़ी देर चलाकर बंद करने की भी जरूरत नहीं होती है, इसको हम पूरी रात भी चला सकते हैं। तो यदि आप कस्टमर है तो आप कहीं से भी आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो ऑयल हीटर है, हमने लॉक द डील जो एप्लीकेशन है या फिर जो वेबसाइट है या फिर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है वहां से हमने ऑर्डर किया है, वह भी ब्लॉक के अंदर हमारी एक भाई की शॉप है, तो दुकान के ऊपर रीसेलिंग के लिए हमने ये जो ऑयल हीटर मंगवाया है। यदि आप भी दुकानदार है, डीलर है और डिस्ट्रीब्यूटर और आप चाहते हैं कि आपको कम से कम रेट के अंदर हीटर है, इन्वर्टर है, बैटरी, इस तरह के अनेक प्रकार के आइटम मिल जाए, तो आप लॉक द डील जो एप्लीकेशन है वहां से मंगवा सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर और जो प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उसका जो लिंक है वह और वेबसाइट का जो लिंक है वह हमने दिया हुआ है, आप इनकी जो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम ये जो सबसे सुरक्षित जो रूम हीटर है इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप इस रूम हीटर की पैकिंग देख सकते हैं, पोलिथीन लगाया हुआ है और दोस्तों रस्सी भी इसके ऊपर लगाई हुई है। तो सबसे पहले इसकी रस्सी और पोलिथीन को हम हटा देते हैं। हटाने के बाद में आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे लेजर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अब आप उससे नीचे की तरफ चलते हैं तो उस पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 2400 वाट। कंपनी के द्वारा इसकी जो वारंटी है 2 साल की दी जाती है, स्पेशल बॉक्स के ऊपर लिखा भी हुआ देख सकते हैं 2 ईयर्स वारंटी। अब बॉक्स के दूसरी साइड थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है अल्फा अल्फा मॉडल है, ऑयल फील्ड रेडिएटर विद फैन हीटर 9 फिन्स। बॉक्स के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके कुछ एक फीचर्स लिखे हो, जैसे 3 हीटिंग सेटिंग दी हुई है, 800 वाट, 1200 वाट और 2000 वाट का, विद पावरफुल फैन है, पावर इंडिकेटर है, टेम्परेचर सेटिंग का स्विच दिया हुआ है, व्हील इसके अंदर लगा, इस तरह से अनेक फीचर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये जो रूम हीटर है ये ISI मार्क का है। अब हम ऊपर की साइड देखते हैं तो ऊपर की साइड में कंपनी की टेप लगी होती है, सबसे पहले इसकी टेप को हम हटा देते हैं। टेप को हटाने के बाद में जब आप बॉक्स के अंदर की तरफ देखेंगे, थर्माकोल के अंदर इस हीटर को पैक किया हुआ है। अब सभी जो आइटम है इसके साथ में वह भी हम बॉक्स से बाहर निकाले तो रूम हीटर को भी बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। अब सामने आप इस रूम हीटर का लुक देख सकते हैं, सभी आइटम भी इसके साथ में वह हमने बाहर निकाली हैं। इस रूम हीटर के साथ में इसके व्हील आते हैं, 2 व्हील आगे की साइड लगाए जाते हैं, 2 व्हील पीछे की साइड में लगाए जाते हैं और दोस्तों इस व्हीलों को सेट करने के लिए, टाइट करने के लिए इसके साथ में इसके जो देख सकते हैं लोहे की पत्ती सी आती है और ये किसके साथ में इसकी वारंटी कार्ड या फिर इसको मैनुअल बुक बोलते हैं ये इसके साथ में आता है। अब आप सामने देख सकते हैं रूम हीटर का जो लुक है इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जो इसकी जो लंबाई है वह तो आपको ज़्यादा लगेगी परंतु इसकी जो चौड़ाई है बहुत ही कम है और दोस्तों साइड से आप देख सकते हैं इस तरह के इसके फिन्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, यानी कि इसके अंदर जैसे कि यह 9 फिन्स के अंदर है तो 9 पत्ती आपको बीच के अंदर दिखाई देंगे। इस तरह से 11 फिन्स का भी आता है और इस तरह से 13 फिन्स का भी आता है। इस रूम हीटर को आप सामने की तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक सबसे पहले पावर का जो इंडिकेटर है वह दिखाई देगा। इंडिकेटर के नीचे की साइड आप देखेंगे तो हीटिंग सेटिंग के लिए स्विच दिया हुआ है, यदि हम एक के ऊपर ऑन करते हैं तो कम हीटिंग देगा और यह 1200 वाट बिजली खपत करेगा। यदि आपको नॉर्मल हीटिंग चाहिए तो आप 2 के ऊपर ऑन करेंगे 1600 वाट यह बिजली लेगा। यदि आपको ज़्यादा हीटिंग चाहिए तो आपको 3 के ऊपर ऑन करना है और यह 2400 वाट यह बिजली खपत करेगा। इससे नीचे टेम्परेचर सेटिंग का एक स्विच दिया हुआ है, यदि आप इसे रूम्स के अंदर चला रहे तो आप अपने हिसाब से इसका टेम्परेचर सेटिंग कर देंगे, जैसे ही रूम का टेम्परेचर सेम आएगा ऑटोमेटिक यह रूम हीटर बंद भी हो जाएगा। उससे नीचे आप देखेंगे ऑन ऑफ का लिए एक स्विच दिया हुआ है देख सकते हैं और लेजर कंपनी का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर एक फेंस लगा हुआ है, आगे की साइड से जो ठंडी हवा होती है वह अंदर की तरफ जाती है, दूसरी जो साइड होती है वहाँ से गर्म हवा बाहर की तरफ निकलती है, यह वाला हिस्सा तो जहाँ से गर्म हवा बाहर निकलेगी। और दोस्तों सबसे सुरक्षित यह रूम हीटर होता है, इसके अंदर जो आपको फिन्स दिखाई दे रहे हैं यह जैसे कि 9 फिन्स हैं और 9 के अंदर ऑयल होता है। जो ऑयल होता है दोस्तों आज तक मुझे भी नहीं पता कि कौन सा ऑयल इसके अंदर यूज किया जाता है। जब इसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में ऑयल जो गर्म होता है उसकी जो हीटिंग होती है वह बाहर की तरफ निकलती है। जब इस रूम हीटर को हम रूम के अंदर चलाते हैं तो रूम के अंदर की ऑक्सीजन है वह 1% भी कम नहीं होती है, चाहे बूढ़े व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, बच्चे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रूम हीटर को यूज कर सकते हैं। इस रूम हीटर के साथ में पावर का 3 पिन टॉप लगा होता देख सकते हैं, यह
जब रूम हीटर ऑन होता है तो उस समय जो इसके फिन्स है वह गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इसके फिन्स के कभी भी हाथ नहीं लगाना है। इस रूम हीटर के जो वायर है उसको हमने बिजली के अंदर लगा दी है, उसके नीचे के जो व्हील है उसको भी हमने सेट कर दिया है। अब मैं आपको ये जो रूम हीटर है इसको चलाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले एक स्विच होता है, इसको हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है उसको हम सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग ऑन करते ही ऑन हो चुका है। अब जैसे एक के ऊपर करेंगे तो कम हीटिंग बाहर देगा, दो के ऊपर करेंगे तो नॉर्मल, और तीन के ऊपर करेंगे तो फुल गर्म हवा बाहर देगा। इसका जो फैंस है वह भी ऑन है। और दोस्तों अब साइड से आप देख सकते हैं यह हीटिंग वाली जगह जहाँ से हीटिंग बाहर निकलेगी, यहाँ पर अब हीटिंग आनी शुरू हो चुकी है। इसके अंदर जो ऑयल है वह पहले गर्म होगा, वैसे ही ऑयल गर्म होगा हीटिंग और बढ़ेगी और इसके जो फिन्स है वह भी गर्म हो जाएंगे, तो इसलिए आपको इसके फिन्स के कभी भी हाथ नहीं लगाना है। इसके साथ में जो व्हील आए थे वह व्हील भी हमने इसके साथ में लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये व्हील इसके लगाए हुए हैं, और ताकि इस ऑयल हीटर को हम कहीं पर भी आसानी से घुमा सकते हैं, यानी कि आपको कहीं पर भी लेके जाना तो आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी रूम हीटर यूज करते हैं तो आप एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे तक यूज करते हैं। जब आप सोने लग जाते हैं तो रूम हीटर को आप ज़रूर ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन रूम की कम हो जाएगी और नुकसान भी करते हैं। परंतु यह जो रूम हीटर है ये आपको 1% भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसको रात को ऑन कर छोड़ सकते हैं और आप सो भी सकते हैं और टेम्परेचर सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही टेम्परेचर रूम का आएगा ऑटोमेटिक यह रूम हीटर बंद होता रहेगा और ऑन होता रहेगा। यह रूम हीटर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे आइटम नेम लिखा है ऑयल फील्ड रेडिएटर विद फैन हीटर, और मॉडल का नाम है अल्फा है, ब्लैक कलर इसका, 9 फिन्स इसके हैं। अब हम बात करते हैं बिजली खपत के बारे में। फैन प्लस हीटर इसके 400 वाट बिजली लेते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप फर्स्ट पोजीशन पर चलाते हैं तो 800 वाट प्लस 400 वाट रहेगा, सेकेंड के ऊपर 1200 प्लस 400 वाट रहेगा और थर्ड के ऊपर 2000 प्लस 400 वाट रहेगा। यदि रूम हीटर को हम लगातार चलाते हैं तो एक घंटे के अंदर जो बिजली खपत रहेगी तो यह रहेगी। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 1.2 यूनिट बिजली खपत रहेगी, और दोस्तों सेकंड पोजीशन के ऊपर 1.6 यूनिट बिजली खपत रहेगी, और थर्ड पोजीशन के ऊपर 2.4 यूनिट बिजली खपत रहेगी। इस रूम हीटर का जो MRP है 9,895 रुपये दिया हुआ है, परंतु दोस्तों आप इसे सिंगल मार्केट से परचेज करेंगे तो दोस्तों आपको लगभग यह 7,000 रुपये के आसपास मिलेगा। यदि आप लॉक द डील एप्लीकेशन से इसे परचेज करेंगे क्वांटिटी के अंदर तो आपको यह जो रूम हीटर है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर आसानी से मिल जाएगा। हमने आपको लेजर कंपनी का ऑयल फील्ड रेडिएटर रूम हीटर दिखा दिया है 9 फिन्स का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। मैंने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है दोस्तों, ना ही खराब होता है। एक बार आप इसे परचेज कर लेते हो तो कई सालों तक ये खराब नहीं होता है। जिस तरह से हम AC को यूज़ करते हैं रूम ठंडा हो जाता है, इसी तरह से आप इस रूम हीटर को यूज़ करेंगे तो हमारा रूम है वह गर्म हो जाएगा, और स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट यही रूम हीटर होता है। यदि आपका जो रूम है वह 10x10 का तो आपके लिए यह रूम हीटर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यदि आप दुकानदार हैं, डीलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप रीसेलिंग के लिए कोई भी बिजली का आइटम परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग जो एप्लीकेशन है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टर है, बैटरी है, जैसे कि हम बात करते हैं रूम हीटर की, तो रूम हीटर भी आपको अनेक कंपनियों के मिल जाएंगे। जैसे कि हमने ओरपेट के ऊपर किया तो ओरपेट कंपनी के सभी जो रूम हीटर वह आ गए हैं। इसके बाद हम जैसे कि बजाज कंपनी का हम ओके करें, बजाज के आ जाएंगे, इंडो है, खेतान है, लेजर, इस तरह। जैसे कि हमने लेजर कंपनी का आपको हीटर दिखाया तो लेजर कंपनी के जो सभी जो हीटर हैं 2 रोड के हैं, ब्लोर हैं, 3 रोड के, इस तरह के सभी हीटर यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि 9 फिन्स का हमने देखा अल्फा मॉडल, यह भी इसके अंदर आ चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।